हेलो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको अब बताने लगी हूँ कि फॉर्मूलाज कैसे लगाएंगे और आप टीडीएस शीट को कैसे बनाएंगे। तो मेरे साथ चलिए देखते हैं क्या क्या फील्ड आपको बनाने हैं। सबसे पहले देखिए, जब आप टीडीएस कैलकुलेटर मींस कितना टीडीएस जो है वो डिडक्ट होना है, उस पर कोई इंटरेस्ट लगेगा कि नहीं, आपको सिर्फ डेट डालनी है कि जिस दिन आपने वो पेमेंट की है। मींस यहाँ पर आप डेट डालेंगे, मान लीजिए कि आपने डेट डाल दी 14 मार्च 2022, राइट। आपने ये वाला डेट डाल दिया। नेचर ऑफ पेमेंट, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, नेचर ऑफ पेमेंट क्यों रिक्वायर्ड है, बिकॉज इसमें जो TDS डिडक्ट होता है उसका रेट डिफरेंट डिफरेंट होता है, डिपेंड अपॉन कि हम कैसा पेमेंट कर रहे हैं। लाइक जैसे हम सैलरी का पेमेंट करते हैं ना, वो स्लैब रेट के अकॉर्डिंग डिडक्शन होता है। स्लैब रेट क्या होता है, अब वो ऑलरेडी मेरा सैलरी कैलकुलेशन का लेक्चर है, आप वहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। तो मान लीजिए कि जैसे रेंट का पेमेंट करना है किस सेक्शन के अंडर, तो आप TDS का चार्ट जो है वो 22-23 का डाउनलोड कर लीजिए। जैसे कि आपका रेंट का है 194I सेक्शन, बिकॉज जब हम TDS की रिटर्न फाइल करते हैं तो वहाँ सेक्शन को कोट करना होता है। रेट क्या होगा, रेट आप देख लीजिए 10% है, राइट। ड्यू डेट, अब ड्यू डेट आपको यहाँ नहीं लिखनी है, ड्यू डेट के लिए आपको जो है एक फंक्शन मैं अभी करवाती हूँ जिसके थ्रू आप ये ड्यू डेट निकालेंगे, राइट। ड्यू डेट, फिर जो ड्यू डेट होगी, वैसे मुझे बताओ ना, लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर 14 मार्च होगा तो ड्यू डेट क्या आएगी, ड्यू डेट आएगी 30 अप्रैल। अगर कोई और मंथ होगा तो नेक्स्ट मंथ क्या 7th आएगी, राइट। डेट ऑफ डिडक्शन आप खुद लिखेंगे कि आपने किस डेट को जो है वो डिडक्शन की है, ड्यू डेट की थी। अगर ड्यू डेट के बाद आपने डिडक्शन किया है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अगर ड्यू डेट से पहले आपने पेमेंट कर दी है तो इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर जो ये वाले जो डेट ऑफ डिडक्शन है, पेमेंट है, ये आपको खुद फिल करने पड़ेंगे। जैसे डेट ऑफ डिडक्शन माइट भी आप जो है वो 1 मई कर सकते हो, ठीक है। तो 1 मई जब आप करोगे तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने मंथ्स का, आप कहोगे मैम जो 14 मार्च था उसकी पेमेंट करनी थी हमने, 14 मार्च की पेमेंट करनी थी 30 अप्रैल, हमने की है मई में, तो इट मींस कि 1 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं, आपको जब आप पेमेंट करते हो तो अप्रैल में ड्यू हो रहा था तो अप्रैल भी वो काउंट करेगा और मई भी काउंट करेगा, मींस मंथ और पार्ट ऑफ मंथ दोनों कैलकुलेट होंगे, मींस 2 मंथ्स की यहाँ पर पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, राइट। तो जिस अगर मंथ जो है लाइक आपने अप्रैल में डिपॉजिट कराना था, आपने अप्रैल में ना करवा के आपने मई में करवाया है, तो यहाँ पर TDS किस मंथ का था, मार्च का, तो TDS था मार्च का, मार्च नहीं करके अप्रैल नहीं करके आपने मई में, यहाँ पर 2 नहीं 3 मंथ्स आ जाएंगे। फिर जिस मंथ का TDS होता है उसको भी वो लेता है। और देखो यहाँ पर बुक्स में डिफरेंट डिफरेंट लिखा हुआ है कि नहीं मार्च नहीं लेना, बट जब हम इनकम टैक्स की साइट पर जाते हैं तो वहाँ पर वो मार्च अप्रैल में ही 3 मंथ्स लेता है, जब हम एक्चुअल में TDS जो है वो कैलकुलेट करते हैं। आप बहुत सारी बुक्स देंगे कि टैक्सेशन की, वहाँ पर वो मार्च ना लेके वो डेज काउंट करता है, ऐसा नहीं है। मार्च अप्रैल में ही 3 मंथ्स का यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये कैलकुलेशन क्या होगा, कैसे होगा, वो मैं आपको फॉर्मूला बता दूंगी, वो आपका टेंशन नहीं है। वो मैं आपको यहाँ पर, आपने सिर्फ क्या डालना है, आपने जिस डेट को आपने पेमेंट किया है, ठीक है, जिस डेट की वो पेमेंट है, फिर आपने जो है डिडक्शन कब किया, जैसे 14 मार्च की पेमेंट है तो डिडक्शन आपका 30 अप्रैल से पहले पहले हो जाना चाहिए। डिडक्शन आपने लेट किया वो डेट आपको डालनी है, कितना पेमेंट किया वो डालना है, फिर ये TDS अपने आप कैलकुलेट होगा। आपने किस डेट को डिपॉजिट करवाया, मैंने आपको बोला था ना कि अगर तो डिडक्शन लेट करते हो तो उसका इंटरेस्ट अलग से लगेगा, और डिपॉजिट, डिडक्शन भी लेट किया फिर डिपॉजिट भी लेट करवाया, ठीक है, तो उसका जो है आपको इंटरेस्ट सेपरेटली पे करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ डिपॉजिट आप बताएंगे, मंथ्स और फॉर नॉन डिडक्शन ये कैलकुलेट करेंगे हम, मंथ फॉर नॉन डिपॉजिट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट ये सब कुछ मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी। हाँ,
जब आपने डिपॉजिट करवाया होगा तो आपको एक चालान मिलेगा, ठीक है, वो चालान नंबर BSR कोड, जो आपका बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न कोड होता है, जो रिजर्व बैंक जो है हर बैंक को 7 डिजिट का कोड देती है, वो आपके चालान पर होगा, वो यहाँ पर लिखना होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर आप यहाँ पर लिखोगे तो TDS रिटर्न फाइल करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो चलिए इन फील्ड्स के साथ हम देखते हैं कि क्या क्या फॉर्मूला यहाँ पर लगेंगे, राइट। चलिए आगे अब हम फॉर्मूला देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें कुछ फॉर्मूलास लगेंगे, पहले तो आपको ये मैंने फील्ड बता दी कि ये फील्ड क्या क्या है। इनमें फॉर्मूला लगाने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूला प्रैक्टिस करवा देती हूँ। जैसे कि एक फॉर्मूला होता है मंथ, नॉट अ फॉर्मूला, इट्स अ फंक्शन। पहले मैं फॉर्मूलाज में हमारे फंक्शंस लगेंगे, उन फंक्शंस के बारे में आप पहले सीख लो क्या होते हैं, फिर उनको हम इस वाली शीट में एप्लीकेबल करेंगे। जैसे कि एक मंथ है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिटर्न्स द मंथ नंबर्स, मींस आपको मंथ नंबर बताएगा कि कौन सा ये मंथ है। सपोज करो कि मैंने ब्रैकेट लगाई और मैंने ये वाले सेल को A6 को सिलेक्ट किया। जैसे ही मैं A6 को सिलेक्ट करती हूँ तो वो मुझे बताएगा कि ये कौन सा मंथ है। अब यहाँ पर क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये वाले सेल का जो डेटा टाइप है वो हमारा जो है वो डेट सेट हुआ हुआ है, तो इसको ऊपर से आप जर्नल कर सकते हो कि कौन सा मंथ है 3। अगर किसी की डेटा टाइप जो है वो सेट हुई है, डेट सेट हुई है, परसेंटेज, तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट रिटर्न करता है। ठीक है, तो हमने देख लिया कि मंथ क्या करता है कि एग्जैक्टली आपने जो भी डेट सिलेक्ट की है, जैसे ये सिलेक्ट की है, तो उसका मंथ रिटर्न करेगा, राइट। एक होता है डेटेड इफ फंक्शन, ये कस्टमाइज होता है, ये इनबिल्ट नहीं होता। ये एग्जैक्टली क्या करता है, आप जैसे ही डेटेड इफ लिखेंगे कोई आर्गुमेंट्स नहीं आएंगे, जैसे मंथ में आया था ना आर्गुमेंट्स, बताता था कि क्या रिटर्न करता है, ये कुछ नहीं बताएगा। ये क्या करता है, सपोज आपने दो डेट्स ले ली, कोई भी दो डेट्स ले ली, उन दो डेट्स के बीच में कितने मंथ्स हैं, कितने डेज हैं, कितने ईयर हैं, वो रिटर्न करता है। तो जैसे मैंने A6, ये वाला A6 है 14 मार्च और 17 अगस्त, इसके बीच में कितने मंथ्स हैं वो मुझे अगर रिटर्न करना है तो देखिए ये मुझे ये रिटर्न करके देगा, राइट। तो यहाँ पर मैं जनरल कर लेती हूँ यहाँ पर। अच्छा, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज रीजन बीइंग मैं आपको बता देती हूँ क्या प्रॉब्लम आई है। इसका ये इसलिए नहीं रिटर्न करके दे रहा बिकॉज A6 जो मैंने लिया है वो 14 मार्च 2022 है और ये 21 है, इसलिए उसको प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बैक में मंथ तो कोई करेगा ही नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कोई और ले लेते हैं, या मैं ऐसा करती हूँ, मैं इसी को ही जो है करेक्ट कर देती हूँ, मैं यहाँ पर 22 ले लेती हूँ। ठीक है, तो वो बताएगा कि मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, मीन्स मार्च और अप्रैल के सॉरी अगस्त के बीच में आपको 5 मंथ्स जो है पार्ट ऑफ मंथ्स वो ले लेता है कि इतने मंथ्स बीच में आएंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा डेटेड इफ फंक्शन, ये आपको सीखना है क्योंकि यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है। अच्छा, एक और होता है, एक फंक्शन से हमारा और होता है, एक हमारा होता है फंक्शन आपका एंड ऑफ मंथ। ठीक है, तो एंड ऑफ मंथ आपको क्या रिटर्न करता है, कहता है रिटर्न द सीरीज नंबर ऑफ लास्ट डे ऑफ द मंथ बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ। जैसे मैं ये एंड ऑफ मंथ ले लेती हूँ, तो स्टार्ट डेट क्या करना है, ये वाला स्टार्ट डेट ले लिया हमने, कॉमा 1 कर दिया, तो देखिए क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पर डेट में नहीं है तो इसलिए ये वाला रिटर्न कर रहा है। आप यहाँ से अपने डेटा टाइप में इसको आप शॉर्ट डेट या लॉन्ग डेट कोई भी ले सकते हैं। तो इसने 30 अप्रैल क्यों रिटर्न किया, इसका रीजन समझिए। एंड ऑफ मंथ एग्जैक्टली क्या करता है कि जिस भी डेट से आप स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने 14 मार्च से स्टार्ट किया, 14 मार्च में कि जो नेक्स्ट मंथ होगा, 1 का मतलब है कि जो नेक्स्ट मंथ होगा उसका, ठीक है, उसका जो लास्ट डे होगा उसको रिटर्न करेगा, राइट। एंड ऑफ मंथ क्या करता है, अगर मैं 0 लिखती, 0 लिखती तो इसी मंथ का मतलब A6 में जो भी मंथ लिखा हुआ है उसका जो लास्ट डे है वो रिटर्न करेगा। देखिए इसने 31 मार्च कर दी। अब ये 3 जो फंक्शन है ये हमारे फॉर्मूलास में यूज होने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मुझे ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है, आप प्लीज मेरे फॉर्मूला को मत देखो, हमने यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर देती, हमने ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। मैंने आपको क्या बोला था कि ड्यू डेट क्या है, कि 14 मार्च की 30 अप्रैल होती है
और बाकी जो होते हैं मंथ्स, उनकी नेक्स्ट जो मंथ होता है उसका 7th होता है। अब आपने लगाना है, लॉजिक लगाना है कि ये कैसा होगा। अब आप डेटेड इफ से अगर करना चाहो, डेटेड इफ मतलब कि अगर डेटेड इफ में हम मंथ देखें कि अगर हमारा मंथ ये है उसमें प्लस जो भी मंथ रिटर्न करे उसमें प्लस 7 कर दे, तो वो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं आपको ये प्रेफर करूंगी कि आप एंड ऑफ मंथ जो फंक्शन है उसी के थ्रू जो है वो कैलकुलेट करें। तो यहाँ पर एंड ऑफ मंथ लगा के हम कैलकुलेट करेंगे। तो एंड ऑफ मंथ हम कैसे ये फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, देखिए जैसे मैंने एंड ऑफ मंथ लगाया ये वाला, दोबारा से लगाती हूँ, हमने ये वाला फंक्शंस लगाया। अब क्या करें, वो स्टार्ट डेट करें और जो भी होगा उसमें प्लस 7 कर दे, ठीक है, जो भी मंथ का एंड होगा उसमें प्लस 7 कर दे। मैं पहले ऐसे ही समझा रही हूँ आपको, जैसे ये वाला ले, ठीक है, और इसमें इसी के जो मंथ का एंड होगा 31 उसमें प्लस 7 का, 7 अप्रैल आ गया, ओके। और नीचे को मैंने कॉपी किया तो 7 सितंबर आ जाएगा, बट दिक्कत कहाँ आएगी, ये 7th नहीं आना चाहिए था, 30th आना चाहिए था। तो अगर तो मैं इतना ही फॉर्मूला लगा के छोड़ दूंगी कि एंड ऑफ मंथ जो भी उस मंथ का एंड है, ठीक है, उसमें प्लस 7 करे, तो वो सिर्फ हर एक जहां पर जो भी मंथ होगा उसके नेक्स्ट मंथ का 7th डेट रिटर्न करेगा, पर जहां पर उसको मार्च इन काउंटर हो रहा है वहां पर उसको 30 प्लस जहां उस नेक्स्ट मंथ का लास्ट डेट देना चाहिए। तो फिर कैसे करेंगे, इसके लिए आप एक फंक्शन लगाएंगे, लॉजिक लगाना कि एक फंक्शन लगाएंगे कि इफ, इससे पहले कि अगर ये वाला मंथ जो है, इस जो मंथ है अगर ये 3rd हो, जो भी ये डेट है, सॉरी मंथ नहीं, जो भी ये डेट है अगर 3rd हो, देन वो क्या करे, देन वो एंड इसके एंड ऑफ मंथ से नेक्स्ट मंथ जो है उसका जो है लास्ट डेट मुझे रिटर्न करे। नहीं आपको नहीं समझ आया, मैं बताती हूँ, देखो अगर ये वाला मंथ, राइट, कैसे मंथ कैसे लेंगे, मैंने अभी आपको फंक्शन बताया था कि मंथ फंक्शन लेना है, A6 का जो भी मंथ होगा अगर वो 3 है, राइट, रिटर्न 3 करेगा, देन वो क्या करे, देन वो जो भी एंड ऑफ मंथ मेरा फंक्शन है वो क्या करे, इसमें कॉमा 1, मतलब जो भी ये मंथ होगा उसका नेक्स्ट मंथ का एंड डेट यहाँ पर दिखाए, अदरवाइज जो पहले हमने लगाया था, अदरवाइज उसी मंथ के जो एंड डेट है उसमें 7 प्लस करते। तो यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, एंटर करते हैं, देखिए 30 अप्रैल आ गया। मैं नीचे को जैसे ही इसको पुल करती हूँ तो ये 7 आएगा। इसका लॉजिक समझिए, देखो इसका लॉजिक समझने के लिए आपको ये 3 फंक्शंस आने चाहिए कि मंथ क्या होता है और आपका जो डेटेड इफ है वो क्या रिटर्न करता है और एंड ऑफ मंथ क्या रिटर्न करता है, ये आपको समझना पड़ेगा, राइट। तो इसका लॉजिक आप समझिए। अब देखो अगर मैं आपको एक और बात बताती हूँ, अगर मैं इसको नीचे को कॉपी कर देती हूँ, मैं शिफ्ट से नीचे को किया, मैंने कंट्रोल डी किया तो मैंने मेरा फॉर्मूला नीचे को कॉपी हो रहा है, बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ कुछ आना भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए आप पता क्या करते हो, इसी में मैं देखो फॉर्मूला को ब्रेक कर करके बता रही हूँ ताकि आप समझोगे, इतना बड़ा फॉर्मूला एक बार बता दूंगी तो कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे यहां पर मैं लगाती हूँ कि इफ, ऊपर ही लगाते हैं ना, ऊपर वाले उसमें लगाते हैं, यहां पर स्टार्ट करती हूँ कि अगर इफ, इफ ये वाला जो सेल है इक्वल टू ब्लैंक है, दो मैंने कोट्स लगा दिए, ब्लैंक है तो यहां पर भी ब्लैंक आ जाए, अदरवाइज जो कर रहे थे वो ही करे। बात समझ में आई आपको, ठीक है, मैं पहले करके दिखाती हूँ। मैंने ये वाला ले लिया, मैंने नीचे को इसको पेस्ट कर दिया, मतलब तो कंट्रोल डी कर दिया। तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला है, अगर आप देखो ना यहाँ पर फॉर्मूला है बट कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा बिकॉज इधर का सेल ब्लैंक। अब इसको समझो, अब मैं क्लिक करती हूँ कि इफ A6 इधर वाला सेल ब्लैंक है तो यहाँ पे ब्लैंक है, अदरवाइज क्या करे कि इसमें इसका जो भी मंथ होगा अगर वो 3 है तो एंड ऑफ मंथ में उसके नेक्स्ट मंथ का लास्ट डेट ले, अदरवाइज एंड ऑफ मंथ के उसी मंथ के में 7 प्लस कर दे। तो जो भी एंड ऑफ मंथ आएगा, जो डेट आएगा उसमें 7 प्लस करेगा तो 7 डेट नेक्स्ट मंथ की आ जाएगी। इज इट क्लियर, ये आपका हो जाएगा, राइट।
फिर डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ डिडक्शन मैंने आपको बताया था, आपने खुद लेना है, ठीक है। पेमेंट मान लीजिए कि मैं 2 लाख का पेमेंट कर रही हूँ, मैंने पेमेंट दे दिया, अब टीडीएस खुद कैलकुलेट होके आ रहा है। कैसे टीडीएस कैलकुलेट होगा? ऑब्वियसली जितना मैंने पेमेंट किया है मल्टीप्लीकेशन बाय जितना मेरा रेट है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर 20,000 आ जाएगा। डेट ऑफ डिपॉजिट, वो तो आप खुद बताएंगे ना आपने किस डेट को डिपॉजिट किया है, राइट। फिर आपने मंथ ऑफ नॉन डिडक्शन आप खुद करेंगे, मैं मंथ ऑफ नॉन डिपॉजिट, सेम दोनों सेम ढंग से कैलकुलेट होगा, क्योंकि अगर ये भी मैं बता दूंगी तो इसका जो भी फॉर्मूला मैं यहाँ बता रही हूँ ना, वो सेम फॉर्मूला मंथ ऑफ नॉन डिडक्शन में लिखेगा। मंथ ऑफ नॉन डिपॉजिट क्या होता है, पहले ये समझिए कि मैंने आपको बताया था कि मुझे 7th तक, जैसे इसमें मुझे 30th अप्रैल तक जो है वो अपना टीडीएस डिपॉजिट करवा देना है, 30th अप्रैल तक करवा देना। अगर मैं लेट करवाऊंगी तो मुझे इंटरेस्ट लगेगा। नॉन डिपॉजिट के लिए इंटरेस्ट कितना होता है? 1.5%। कैसे कैलकुलेट होगा? पहले तो जो भी मैंने डेट डिपॉजिट कर लिया है, जैसे मैंने मई 18 की थी, बट मेरा डिपॉजिट डेट क्या था? 30th अप्रैल था। अब इन दोनों डेट्स में डिफरेंस है, इन दोनों डेट्स में डिफरेंस है, ठीक है। ये वाला डेट जो है ये मई 18 है, ये है 30th अप्रैल। अब मुझे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे क्योंकि मैंने लेट डिपॉजिट करवाया। अब इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मुझे इन दोनों डेट्स में जितने मंथ्स का गैप है वो देखना पड़ेगा, नहीं? अगर अगर आप गैप देखें तो मेरा ड्यू डेट था अप्रैल, अप्रैल भी आया, मई भी आया, ठीक है। तो यहाँ पर और मैंने जो टीडीएस डिडक्ट किया था वो कहाँ पर, कब डिडक्ट किया था? मार्च में। तो मीन्स मार्च भी आएगा, अप्रैल भी आएगा, मैंने लास्ट क्लास में बताया था ना, जिस मंथ में डिडक्ट करते हो वो मंथ भी आएगा, जिस तक आपने पे करना था वो भी आएगा, प्लस आपका जो डिपॉजिट है अगर उससे, अगर यहाँ पर मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर मैं 18 अप्रैल कर देती हूँ, अब देख 2 मिनट देखो, तो यहाँ पर 0 आ गया, यहाँ पर मंथ ऑफ नॉन डिपॉजिट मीन्स आपने लेट नहीं करवाया, यहाँ 0 आ गया। पर जैसे ही यहाँ पर डेट, यहाँ पर जो डेट है वो डेट जो है वो इस डेट से ऊपर होता है, तो यहाँ देखिए मंथ कैलकुलेट हो रहे हैं। अब ये कैसे कैलकुलेट हो रहे हैं? ये डेटेड इफ से हम निकालेंगे। डेटेड इफ फंक्शन क्यों लगेगा? क्योंकि मुझे ड्यू डेट से लेके इस डेट के बीच में जितने मंथ्स आ रहे हैं वो सारे कैलकुलेट करने हैं। पर मेरी एक और बात सुनिए, ये मंथ कैलकुलेट नहीं कर पाएगा अगर जो, जैसे ये यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए आपका डेट ऑफ डिडक्शन क्या है, अच्छा डेट ऑफ डिडक्शन आपने लेट किया है ना, यहाँ पर अगर 7 सितंबर है और आपने 8 सितंबर को डिपॉजिट करवाया तो बीच के मंथ्स तो आएंगे ही नहीं, क्योंकि तो बीच में मंथ तो कोई कैलकुलेट, लेकिन लेट तो करवाया है ना, फिर भी आपको 2 मंथ्स का तो इंटरेस्ट लगेगा। मान लीजिए आपने 7 सितंबर को डिपॉजिट करवाना है, ठीक है, आपने अगस्त में डिडक्ट किया, आपने 8 सितंबर से करवाया, ठीक, तो आपने अगस्त, सपोज कीजिए आपने अगस्त 30 को डिडक्ट किया, तो अगस्त का और सितंबर का दोनों का इंटरेस्ट लगेगा। लेकिन जब मैं 30 अगस्त से लेके, ध्यान से समझिए, 8 सितंबर तक मंथ कैलकुलेट करूंगी, तो बीच में आप देखो ना मंथ तो एक भी नहीं, मंथ तो 30 का काउंट करता है, वो मंथ तो होंगे नहीं, तो वो 0 रिटर्न करते हैं, ये प्रॉब्लम आती है। एक बार मेरे साथ फॉर्मूला को देखिए, ये देखिए कि इफ, अब ध्यान से समझना, ये आपके मंथ्स रिटर्न तब होंगे जब I6 डेट ऑफ डिपॉजिट मेरी ग्रेटर किससे होगी? आपकी ड्यू डेट से। अगर I6 ग्रेटर देन E6 है तब कैलकुलेट होगा, ठीक है, अदरवाइज कुछ नहीं कैलकुलेट होगा, अदरवाइज 0 रिटर्न करें। अगर आपको इफ में दिक्कत है, इफ कैसे लगता है, तो वो मैं एक्स्ट्रा सेपरेट लेक्चर में आपको बता दूंगी, क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि अगर आप टीडीएस कैलकुलेटर बनाना सीख रहे हो तो मींस आपको बेसिक फॉर्मूलास पता होंगे। इफ डेटेड इफ अगर ग्रेटर है देन मुझे यहाँ पर मंथ चाहिए कि दोनों डेट्स के बीच में कितना डिफरेंस है। अब आप डेटेड इफ लगाया मींस ए सिक्स से लेके इस डेट तक कितना जो है मंथ्स का डिफरेंस, मींस उसमें अगर डेज कैलकुलेट करेगा। ये क्यों करना है? क्योंकि अगर इनमें 30 अगस्त को आपने जो है डिडक्ट किया और 8 सितंबर, तो उसके बीच में मंथ नहीं आएगा, तो आपको बीच में क्या देखने पड़ेंगे? डे। अगर डे लेस देन 30 है, उसके बीच में लेस देन 30 है, तो क्या करेगा? देन
जो भी इन दोनों के बीच का मंथ होगा उसमें प्लस टू करेगा, क्योंकि मंथ जो भी होगा वो तो जीरो आएगा, प्लस टू मतलब 2 मंथ्स का तो लगेगा, लॉजिक समझो, अगस्त और सितंबर का तो लगेगा ही लगेगा, प्लस टू करें। और डेटेड इफ अदरवाइज अगर लेस देन इन दोनों का बीच का गैप 30 से लेस नहीं है तो क्या करेगा, वो सिंपली फिर A6 और I6 के बीच में मंथ कैलकुलेट करेगा, क्योंकि 1 तो रिटर्न करेगा, 1 मंथ तो रिटर्न करेगा अगर 30 से ऊपर, और एक और प्लस कर देगा, 2 आपके रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिए ये वाला, जहां पर मैंने 30 अप्रैल को ड्यू डेट थी लेकिन मैंने मई 18 को डिपॉजिट करवाया, तो 3 मंथ्स आपके यहाँ पर कैलकुलेट करती हैं। यहाँ पर जैसे ही मंथ्स कैलकुलेट हो जाएंगे कि कितना लेट मैंने TDS डिपॉजिट करवाया है, तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा, ऑब्वियसली इंटरेस्ट कितना, अगर इसमें जीरो है तो जीरो रिटर्न करेगा, जैसे मैंने इसमें किया। मीन्स अगर मैं इस फॉर्मूला को नीचे को कॉपी भी करती हूँ, तो अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो जीरो रिटर्न करेगा, अगर कोई इंटरेस्ट मंथ 1 ही नहीं रहा तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, तो जीरो रिटर्न करेगा। अदरवाइज वो क्या करेगा कि जो भी मेरा TDS था उसको 1.5% और मल्टीप्लाई, 1.5% होता पर मंथ, तो कितने मंथ्स का लगेगा, 3 मंथ्स। देखिए इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। ठीक है, इंटरेस्ट आपको इसी को नीचे को कॉपी कर देना है, राइट। इसको डेटेड इफ से भी कर सकते हो अगर करना चाहो। अब इसी वीडियो के साथ जो है मैंने मेन यहाँ पर और इलेबोरेट करके इसको समझाया है, वो मैं वीडियो इसके साथ अटैच कर रही हूँ, तो वहां से आप एक बार फिर इन फॉर्मूलास को जो है वो देख सकते हो। वहां पर मैंने डेटेड इफ पहले लगाया, तो उसको आप बॉदर नहीं करना, आपको सिर्फ से समझना है कि एंड ऑफ मंथ मैंने दोबारा से कैसे लगाया है। चलिए, ओके स्टूडेंट्स, बाय। ने ऑलरेडी किए पहले उनसे सीखा। एक और आई थिंक मैंने नहीं बताया है, एक और फॉर्मूला होता है, दैट इज एंड ऑफ मंथ, ईओ एंड ऑफ मंथ। तो एंड ऑफ मंथ जो फॉर्मूला है वो हमें क्या रिटर्न करता है, रिटर्न द सीरियल नंबर ऑफ द लास्ट डे ऑफ द मंथ बिफोर और आफ्टर ए स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मंथ। मतलब बिफोर और आफ्टर मीन कि मैं अगर ये मंथ देती हूँ, इस मंथ के बाद अगर मैं इसके साथ 1 लिखती हूँ, मतलब इस मंथ के बाद क्या आएगा, जुलाई, जुलाई का जो लास्ट डे होगा वो मुझे उसको दिखाएगा कि ये इसका लास्ट डे होगा। मींस अल्टीमेटली एंड ऑफ मंथ, अगर मुझे इसी का लास्ट डे देखना है तो ऑब्वियसली मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, एंड ऑफ मंथ लिया मैंने, स्टार्ट डेट यहां से स्टार्ट करे, मुझे इसी मंथ का एंड देखना है, तो मींस इसमें कोई मंथ ऐड नहीं करे, जीरो, इसी मंथ का एंड डेट क्या होगा वो हम देख सकते हैं। तो ये इस मंथ का एंड डेट जो है वो 30 जून है। कंट्रोल शिफ्ट हैश की जो 3 के ऊपर होती है उससे मैंने डेट को चेंज कर दिया है। और आई होप आप जो शॉर्टकट्स वाले वीडियोस है जो आपको ओपन में मिल रहे हैं उसका प्रैक्टिस कर रहे हो, राइट। तो ये आपका आ गया। ऑब्वियसली मैंने बोला था कि आपका जो डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ TDS की लास्ट डेट जो होती है वो नेक्स्ट मंथ की 7th होती है, बट जो मार्च का TDS होता है वो जो होता है वो आप अप्रैल 30 को करवाते हैं। देखिए अब लॉजिक को समझिए, ध्यान से समझिए। अगर मैं यहां पर मैंने डेट ईयर वगैरह लगाया है, यहां दिक्कत क्या आएगी कि मुझे जो लास्ट वाला मंथ है उसमें दिक्कत आएगी। इस फॉर्मूला को और मैं मॉडिफाइड करूंगी तो ये लॉन्ग बन जाएगा। आई थिंक एंड ऑफ मंथ मेरा काम थोड़ा सा और इजी कर देगा, काम इससे भी हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रही काम इससे भी हो जाएगा, बट मुझे यहां लगता है जितना मैंने सोचा कि एंड ऑफ मंथ मेरे काम को ज्यादा इजी करेगा। तो एंड ऑफ मंथ, क्योंकि मैं सारे फॉर्मूलास को स्टडी करती हूं, फिर मुझे लगता है कि नहीं ये फॉर्मूला यहां पर ज्यादा सुटेबल है, ये आपने भी काम करना है। तो स्टार्ट डेट क्या होगी इसकी, स्टार्ट डेट क्या होगी, स्टार्ट डेट ये वाली होगी। इसका क्या देखेगा, एंड ऑफ मंथ क्या करेगा, इसका एंड देखेगा, इसी का एंड देखना है तो जीरो लगाना है। अगर मैं यहां पर 1 लिखती ना तो जो नेक्स्ट मंथ है जून उसका एंड बताता, राइट। तो अगर आपने इसमें 2 मंथ्स ऐड करके उसका एंड देखना है फिर वो आप 2 लिखेंगे, अगर इसका प्रीवियस देखना है तो -1 लिखेंगे। तो ऐसे एंड ऑफ मंथ जो है फॉर्मूला काम करता है। आई डोंट थिंक कि मुझे इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। आप एक बार कोई डेट लिख के एंड ऑफ मंथ उस डेट को लेके 1 लिख के देखिए क्या आता है, 2 लिख के देखिए, -1 लिख के देखिए, देन यू विल अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली ये आपको कैसी वैल्यू को रिटर्न करता है या कैसी डेट्स को रिटर्न करता है। मैंने कहा एंड ऑफ मंथ मैंने लगा दिया, ऑब्वियसली इसका एंड बता देगा, राइट। प्लस इसमें क्या कर दे, उस जो भी एंड आएगा उसमें 7 प्लस कर दे, तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या आ गया, 7 जून। इसी फॉर्मूला को मैंने नीचे को क्या कर लिया, कॉपी कर लिया,
यहाँ कुछ भी नहीं है, तो कुछ भी ना हो तो कोई डेट ना रिटर्न करे, आई थिंक ये काम आप कर सकते हो कि इफ दिस सेल इज ब्लैंक देन ब्लैंक रिटर्न करे, अदरवाइज जो है उस डेट का एंड ऑफ मंथ देख के उसको +7, ये सब कुछ काम आप खुद करके मुझे होमवर्क में देंगे। अब मैं लिख रही हूँ कि किस दिन मैंने आपको क्या काम दिया है ताकि मैं सभी स्टूडेंट का चेक कर पाऊँ, क्योंकि एडवांस एक्सेल है थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। तो टीडीएस कैलकुलेटर में मैं आपको फॉर्मूला करने को दे रही हूँ कि अगर कोई डेट नहीं लिखी है तो वो सेल में ब्लैंक ही रिटर्न करे, कोई डेट ना रिटर्न करे, जैसे कि जैसे मैंने फॉर्मूला नीचे को कॉपी किया इसने डेट रिटर्न की, वो ना करे, ये आप खुद करके बताएंगे। बाकी फॉर्मूला मैं लगा रही हूँ। अच्छा ठीक है, मई 17 लिखा है तो ऑब्वियसली 7 जून होगा, चलो मई नहीं लेते हम, मैं यहाँ पर 8, मेरा जो है वो 17 अगस्त को कट हो रहा है, तो देखिए 7 सितंबर अपने आप आ गया। यहां तक तो बात ठीक है, बात बिगड़ती कब है? बात कब बिगड़ेगी, पहले इतना ही काम करते हैं कि अगर जो मैंने टीडीएस डिडक्ट किया वो मार्च में किया, मान लीजिए यहां पर मैं मार्च को इस फाइनेंशियल ईयर जो भी है, जब भी आप कैलकुलेटर बनाएं उसके साथ फाइनेंशियल ईयर जरूर जरूर मेंशन करेंगे कि कौन से फाइनेंशियल ईयर का आप कैलकुलेटर बना रहे हो। तो देखिए यहां 7 अप्रैल आ गया, यहाँ कैलकुलेटर मैं किस फाइनेंशियल ईयर का बना रही हूँ, मैं 21-22 का बना रही हूँ, तो दैट्स व्हाई 14 मार्च देखा 7 अप्रैल आ गया, नहीं यार ये नहीं आना चाहिए, जैसे ही यहाँ पर मार्च हो ना देन उस केस में यहाँ पर जो है वो 30 ऐड करे। अब ये कैसे करेंगे कैसे करेंगे कैसे करेंगे बताऊँ मैं? चलिए देखिए, आपको पता है ना कि एक फंक्शन होता है मंथ मंथ, ठीक है, जैसे ये वाला है, ये क्या करेगा आपको मंथ रिटर्न करेगा 4। अगर मंथ 4 हुआ, अगर मंथ 4 हुआ देन इसका एंड ऑफ मंथ लेगा और प्लस क्या कर देगा 30 लेकर देगा, ऐसा भी करने की जरूरत नहीं है, ये वाला मंथ लेगा और 1 मतलब उसमें पूरा एक कंप्लीट मंथ आपको देगा। समझ नहीं आई, दोबारा समझाती हूँ मैं, रुको देखिए। जैसे यहां पर कोई भी हम मार्च की सपोज करो डेट लेते हैं, मैं इसी को यहां कॉपी कर लेती हूँ, वहां चेंजेस नहीं करती, ये देखो ठीक है, यहां पर मैं इसको अगर मैं मंथ लेती हूँ, देखो मैंने क्या किया, मंथ लेती हूँ तो वो इसका मंथ को रिटर्न करेगा। अगर ये मंथ जो है, ये मंथ जो है फोर्थ नहीं थर्ड हो, मैंने इसका ले लिया, अगर ये मंथ थर्ड होता है देन जो एंड ऑफ मंथ है वो क्या करे उसमें 31 करे, सॉरी 1 करे और अदरवाइज उसमें +7 करके दे दे। मैं आपको बताती हूँ ये बात, मुझे ये बताओ, पहले ये बताओ ये बात समझ आई कि नहीं, ये बात समझ में आई कि नहीं, F2 करती हूँ, इतनी बात समझो, ये बात समझ में आई कि नहीं कि ये मंथ ले 0 मींस इसी का ही एंड ऑफ मंथ देखेगा, ईओ मींस एंड ऑफ मंथ और उसमें +7 तो मींस नेक्स्ट 7 में चला जाएगा। ये तब होगा अगर मंथ थर्ड 3 नहीं है, तो आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे? क्या ऐसे लगा दूं कि इफ इफ क्या लॉजिकल टेस्ट, लॉजिकल टेस्ट आप क्या देंगे कि अगर दिस वन, अगर मंथ ऑफ दिस, इसका जो मंथ है ठीक है, अगर वो इक्वल टू 3 हो गया, राइट 3 होगा, तब क्या करे, तब वो क्या करे एंड ऑफ मंथ, एंड ऑफ मंथ स्टार्ट डेट क्या ले, इसी को फिर लेगा, इसी को लेगा और इसमें एक मंथ प्लस कर देगा, राइट अदरवाइज जो हम ऊपर कर रहे थे वही होगा, एंड ऑफ मंथ स्टार्ट डेट यही लेगा, सॉरी स्टार्ट ये डेट यही लेगा आपकी, राइट और वो क्या करेगा इसमें आपको 0 मतलब इसी मंथ का एंड और +7 कर देगा, ये काम हो जाए। कंट्रोल शिफ्ट 3 कर दिया मैंने, देखिए 30 अप्रैल आ गया, ध्यान से देख रहे हैं क्या 30 अप्रैल आपको नजर आ रहा है? चलिए मैं इसको एक बार चेंज करके बताती हूँ, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखिए मैं इसको ना डेट को चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 1 जनवरी, तो 7 फरवरी आ गया। क्या ये लॉजिक आपको समझ में आया है? आप वीडियो को स्टॉप करेंगे,
आप इस फॉर्मूला को लिखेंगे, समझेंगे, देन आगे चलेंगे। मैंने आपका फॉर्मूला लगा दिया, मैं इसको फॉर्मूला को यहाँ से कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? बाकी कैलकुलेटर आपने खुद बनाना है। अगर आपको एक का बनाना आता है तो ऑब्वियसली बाकी टीडीएस भी आप बना ही सकते हो चार्ट से देख के। ठीक, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट का बना रही हूँ, जब प्रोफेशनल फीस दी है, प्रोफेशनल फीस हम दे देते हैं कि हमने प्रोफेशनल जो फीस दी है किसी को, देन ऑब्वियसली नेक्स्ट सेक्शन आप कोट करोगे 194J कोट कोट करोगे, 10% ही आपने किया है और उसकी ड्यू डेट है, जो ड्यू डेट हम यहाँ पर ले लेंगे कि उसकी ड्यू डेट है। अरे 00 क्यों आ रहा है, व्हाई इट इज सो, 2 मिनट में देख लूँ। अच्छा वो इसको वो ले रहा है, मैंने यहाँ पर गलती कर लिया, इसको इसको लेना है A6। तो एवरी प्लेस मैंने कॉपी किया था ना वहाँ से, तो एवरी प्लेस जस्ट चेंज A6। देखो आ गया 30th अप्रैल, ये काम कर लोगे आप। ठीक है, और मैंने इसको जो है ऑब्वियसली मैंने यहाँ पर नीचे को कॉपी कर दिया, तो अगस्त है तो 7 सितंबर ही मेरी डेट पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बाकी सजाने वजाने का काम आप खुद करेंगे, वो नहीं मैं सिखा रही, वो आप खुद कर सकते हैं। डेट ऑफ डिडक्शन, डेट ऑफ डिडक्शन क्या होगा? ऑब्वियसली जो डेट ऑफ डिडक्शन होता है वो लास्ट डेट ही लेते हैं। डेट ऑफ डिडक्शन मीन्स जिस दिन आप पेमेंट करते हो वो होता है। अदरवाइज देखो, अगर मुझे नेक्स्ट मंथ के 7 से पहले पहले डिपॉजिट करना है तो अब डिडक्शन जो है मैं बता दूंगी कि मैंने उसी टाइम किया। ठीक है, 7 से पहले पहले डिडक्शन, अल्टीमेटली वही डेट आती है जो आपका ड्यू डेट, वही आती है जो आपके डिपॉजिट की डेट होती है। तो अब आपने देखना है कि आपने डेट ऑफ डिडक्शन किया कब है। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका डेट ऑफ डिडक्शन जो होता है, अगर आप टीडीएस जब आपको डिडक्ट करना है, अगर आप लेट डिडक्ट करते हो तो देन आपको 1% इंटरेस्ट पर मंथ और पार्ट ऑफ अ मंथ जो है लगता है अंडर सेक्शन 201। ऐसे ही अगर आप टीडीएस डिडक्ट कर लेते हो, जहां पर जैसे 30th अप्रैल को डिपॉजिट करवाना है, आपने 30th अप्रैल को डिपॉजिट नहीं करवाया है, डिडक्ट कर लिया बट डिपॉजिट नहीं करवाया, तो उस केस में आपको 1.5% लगता है पर मंथ और पार्ट ऑफ ए मंथ अंडर सेक्शन सेम 201 सबसेक्शन 1A। ये सेक्शन आपको दिए हुए हैं। तो अब यहां पर मुझे क्या, मुझे यहाँ पर इंटरेस्ट लगेगा या नहीं लगेगा, या दोनों लगेंगे एक लगेगा, वो हम चेक करेंगे। मान लीजिए जो डेट ऑफ डिडक्शंस है, आपका डेट ऑफ डिडक्शन आपका 14th अप्रैल जो है नेचर ऑफ पेमेंट है, आपने उसको डिडक्ट जो किया है, ले लेते हैं आपने 15th को ही, जब 14th को ही डिडक्ट कर लिया। चलो अभी इस यहाँ पर फॉर सिंप्लिसिटी सेक मैं 14th को ही मैंने इसको डिडक्ट कर लिया, तो यहाँ पर मैंने ले लिया 14 मार्च को ही मैंने डिडक्ट किया। ओके, पेमेंट जो है वो मैंने 1 लाख का किया, उस पर टीडीएस जो है वो 10,000 का बनता था। वो हमने कैसे किया था कि ऑब्वियसली वट एवर इज द रेट एंड वट एवर इज द पेमेंट, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, वो आपका पेमेंट बन गया। अब आपने इसको डिपॉजिट किस दिन करवाया है, मान लीजिए आपने इसको डिपॉजिट करवाया जून 6 को, जून 6, चलिए डेट दोबारा करनी मैं ऊपर वाला। अब आपने इसको 30th अप्रैल को डिपॉजिट करवाना था, मान लीजिए आपने इसको 1 मई को जो है करवाया है, यहाँ पर दूसरा डेट लेके देखूं, 1 ले लेती हूँ थोड़ा समझाने के लिए, फिर वो 7th वाला माइंड में रहता है ना। जैसे इसका 7th फरवरी है, राइट, तो यहाँ पर भी चेंज कर देती हूँ मैं, 7 फरवरी को डिपॉजिट करवाना था। डेट ऑफ डिपॉजिट आपको 7 फरवरी को करवाना था, आपने 8 फरवरी को करवाया। अब क्या होगा, ऑब्वियसली आपने डिडक्ट तो कर लिया क्योंकि डिडक्शन मेरा आ रहा है, डिडक्शन तो मैंने सेम जो डेट था उस टाइम डिडक्ट कर लिया, लेकिन मैंने डिपॉजिट नहीं करवाया है, तो उस केस में आपका डेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो डेट ऑफ डिपॉजिट मैं लिखती हूँ आपका, मान लीजिए 1st 8 2022, ये January 8 को आपने डिपॉजिट उसको करवाया। अब इंटरेस्ट फॉर नॉन डिडक्शन एंड इंटरेस्ट फॉर डिडक्शन, देखो अगर मैं एक ही फॉर्मूला में
मंथ्स भी काउंट करूंगी और लगाऊंगी भी, वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इंटरेस्ट के लिए। तो आई सजेस्ट एक एक ही उसमें भी कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि यहाँ पर मंथ्स का आप जो है वो अलग से कॉलम जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मंथ्स का आप अलग से कॉलम क्रिएट करें तो उसके लिए ऑब्वियसली आप जो है यहाँ पर कॉलम्स इंसर्ट कर दीजिए, और कॉलम है मंथ्स फॉर नॉन डिडक्शन, एक फॉर्मूला में भी कर सकते हैं, सेपरेट इसलिए करवा रही हूं कि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। मंथ्स ऑफ नॉन डिपॉजिट, आपने अगर डिपॉजिट नहीं करवाया, क्योंकि दोनों के लिए इंटरेस्ट रेट हमारा सेपरेट होता है, तो ये हमने ले लिए। अब मंथ्स फॉर नॉन डिडक्शन आप कैसे करेंगे, डेटेड इफ नाम का फंक्शन मैंने आपको करवाया था, तो मंथ्स आप कैसे लेंगे, इक्वल टू इफ या डेटेड इफ ले लो, डेटेड इफ। हाँ अप्रैल का मैं बाद में करवाऊंगी, पहले मैं डेटेड इफ का फंक्शन आपको करवा दूं। डेटेड इफ जो इनबिल्ट नहीं है, कस्टमाइज है, इसलिए आपको इसके सॉरी आर्गुमेंट्स नहीं नजर आते हैं। तो डेटेड इफ में आपको एक स्टार्ट डेट लेनी पड़ती है, एक एंड डेट लेनी पड़ती है, उसके बीच में मंथ्स आपको दिखाता है। तो अब देखिए स्टार्ट डेट और एंड डेट लेंगे, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ऑब्वियसली स्टार्ट ये कहां से होगा, जहां से हमारा पेमेंट हुआ है जनवरी। जैसे अगर आप इसकी जो पेमेंट है वो जनवरी 8 नहीं होना चाहिए था, आप मेरे सामने नहीं बैठे ना इसलिए आप मुझे बता नहीं पाते हो। जैसे 7 फरवरी है ना, मैंने लेट डिपॉजिट करवाया तो यहाँ पर 8 फरवरी को करवाया मान लीजिए, अब आएगा ना। अब मंथ फॉर नॉन डिडक्शन, नॉन डिडक्शन पहले समझिए, नॉन डिपॉजिट का अलग, मंथ फॉर नॉन डिडक्शन कैसे आएगा, अगर आपको किस मंथ में कहाँ तक काटना था, 7 फरवरी तक काटना था, आपने नहीं काटा, तो आपने सपोज कीजिए आपने, देखिए आपको कैसे सिखाऊंगी मैं, पहले मंथ फॉर नॉन डिडक्शन सिखाती हूँ फिर मंथ फॉर नॉन डिपॉजिट। अब मंथ फॉर नॉन डिडक्शन आप कैसे करेंगे, यहाँ पर मैंने जनवरी लिखा था, फरवरी आएगा, क्योंकि सपोज मैं ये मान रही हूँ कि मैंने लेट डिपॉजिट करवाया पर मैंने डिडक्शन जो है वो टाइमली कर ली। अब मंथ फॉर नॉन डिडक्शन आप कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे रियल में हम करते हैं मैं वो बता रही हूँ, वैसे तो आप इसी डेट को डिडक्शन करनी थी, बट अगर हम 7 तक डिपॉजिट करवा देते हैं तो कौन बताता है कि मैंने डिडक्शन नहीं की है, राइट। तो मैं ये मान रही हूँ कि आपने टाइमली डिडक्शन कर ली, तो 14 जनवरी को ही आपने डिडक्शन कर ली। मान लीजिए आप डिडक्शन भी फरवरी 8 को ही करते हैं, तो आपका कितने मंथ्स का 1% इंटरेस्ट लगता, फरवरी को करते तो जनवरी जब डिडक्ट करना था, जनवरी फरवरी दोनों मंथ्स आएंगे, सेम वैसा ही आएगा जैसा कि हम किस में करते हैं, नॉन डिपॉजिट में करते हैं, पर यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 1% आएगा। अब डेटेड इफ फंक्शन, वही आपको डेटेड इफ फंक्शन लगाना है, डेटेड इफ स्टार्ट डेट कहां से होगा, यहां से। पहले आप क्या करेंगे, डेटेड इफ तब लगाएंगे आप यहां पर, ये मंथ तभी कैलकुलेट करेगा इफ आपका जो डेट ऑफ डिडक्शन है वो ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, इससे, मतलब ये लास्ट डेट है ना जब तक डिडक्ट करना है, इससे वो ज्यादा हो जाए, इससे जैसे ही वो मोर हो जाएगा देन वो मंथ्स को काउंट करेगा, अदरवाइज जीरो रिटर्न करेगा। या आप उल्टा भी कर सकते हो कि अगर ये वाला डेट है वो लेस देन और इक्वल टू दिस डेट है, मैं ग्रेटर देन लिख रही हूँ, आप लेस देन इक्वल टू कर सकते हो। अगर ग्रेटर हो गया, अगर ये डेट जो है इस डेट से ग्रेटर हो गया, देन क्या करेगा, डेटेड इफ फंक्शन लगाएगा। तो डेटेड इफ क्या करेगा, वो स्टार्ट डेट दिस मंथ और एंड डेट आपकी जो भी यहां पर होगी, यहां पर ये वाला, इन दोनों डेट में से मंथ देखेगा, और मैंने क्या बोला था, जो भी रिटर्न करे उसमें प्लस 1 कर देना, क्योंकि वो डेज लेता है फिर उसको मंथ नहीं काउंट करता, कॉमा, अदरवाइज अदरवाइज जीरो रिटर्न करेगा। एंड अब क्या रिटर्न करती है इसमें, अच्छा डेट आ रहा है तो हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, तो जीरो आ गया, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट जो टिल्ड साइन है उससे मैंने जनरल कर दिया इसको।
अब आप यहाँ पर चेंज करके देखिए, मान लीजिए मैंने जो किया, मैंने डिपॉजिट किया 14 फरवरी को, तो 2 मंथ्स आ गया ना, जनवरी फरवरी 2 मंथ्स आ गया, राइट। दोबारा से वही ले लेती हूँ, अभी 0 मंथ्स आ रहे, ऐसे ही मंथ्स फॉर नॉन डिपॉजिट, फॉर्मूला सेम है, कैसे लगेगा? यहाँ पर डेट ऑफ डिडक्शन है, यहाँ पर आप डेट ऑफ डिपॉजिट लेंगे, सेम फॉर्मूला लगाएंगे कि इफ, दोबारा लगा रही हूँ कि इफ आपका जो डेट ऑफ डिपॉजिट है अगर वो ग्रेटर हो गया किससे, आपकी ड्यू डेट से, देन क्या करेगा, देन आपका डेटेड इफ फंक्शन लग जाएगा। डेटेड इफ फंक्शन स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, स्टार्ट डेट मेरी क्या है, स्टार्ट डेट दिस वन है, एंड डेट मेरी क्या होगी, जब आपने डिडक्ट किया है, ये आपकी एंड डेट हो जाएगी। और क्या काउंट करेगा, इसके बीच के मंथ्स आपको काउंट करेगा, और जो भी आएगा उसमें प्लस 1 कर देगा, अदरवाइज 0 रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो यहां पर आपका 1 मंथ आ गया, कहां से लिया इसने, 14th जनवरी से लेके आपको फरवरी 8, ठीक है, जनवरी और फरवरी 2 मंथ्स उसको रिटर्न करने चाहिए थे, तो इसने 1 मंथ रिटर्न किया है। उसका रीजन मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मंथ तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि जनवरी से लेके फरवरी तक मंथ तो कोई नहीं होता, राइट। तो इसके लिए आपको एक और फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, मैं आपको बता देती हूँ मैं इसके लिए क्या फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर इन दोनों में जो डेज होंगे, इन दोनों डेट्स में जो डेज होंगे इसके और इसके बीच में, अब एक और लॉजिक लगाना पड़ेगा, अगर इसके और इसके बीच में जो डेज होंगे वो 30 से कम होंगे, ठीक है, देन क्या करेगा वो, उसको मंथ काउंट ही नहीं करेगा। अब यहाँ जनवरी और फरवरी दोनों आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं ले रहा, क्योंकि डेज जो है वो 30 से कम है। अब डेटेड इफ के बीच में, अब डेटेड इफ से पहले भी आप एक फंक्शन लगाओगे कि अगर इन दोनों के बीच में डेज को काउंट करो, डेज देखो कितने डेज है इन दोनों के बीच में, अगर वो जो डेज हैं वो लेस देन 30 है तो यहाँ पर प्लस 2 करेगा, अदरवाइज प्लस 1 करेगा, कैसे मैं आपको बताती हूँ। अब इसके अंदर एक और इफ लगेगा, इसके अंदर एक और इफ लगेगा, क्या करेगा वो, इफ डेटेड इफ द्वारा से लगे, डेटेड इफ दिस डेट कॉमा दिस डेट के बीच के डेज को काउंट करेगा, अगर वो लेस देन और इक्वल्स टू, लेस देन सिर्फ कर लीजिए 30 है, देन क्या हो, देन डेटेड इफ प्लस 2 कर दे, अदरवाइज ये सारा सेम फॉर्मूला 1 करे, अदरवाइज इसमें वो 1 करे, यहां पर ये इफ स्टॉप हो जाएगा, अदरवाइज 0। अब देखिए यहां पर 2 आ गया, यहां पर 2 आ गया, अब नेक्स्ट देखिए, अब यहां से आप डिडक्शन जो है आप मार्च ले लीजिए, आप मार्च ले लीजिए, ठीक है, तो जनवरी फरवरी मार्च अब 3 आ गया, ठीक है। कुछ और भी आपको, आप देखो कि ठीक आ रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने पड़ते हैं, तो ये आपने खुद सोचना है, राइट। तो ये फंक्शंस है जो आपको मंथ्स फॉर नॉन डिडक्शन और मंथ्स फॉर ऑफ नॉन डिपॉजिट जो है कैलकुलेट करके देंगे। हाँ, अगर यहाँ पर जो है अप्रैल होगा, अगर आप लगाएंगे कि इफ मंथ जो है वो 3 है, देन ऑब्वियसली वो 30 डेज नहीं देखेगा, ठीक है, देन डेटेड इफ वाला वो 30 डेज वाला नहीं देखेगा, देन वो सेपरेटली उसको कैलकुलेट करेगा। उसको मैं करके दिखाती हूँ, पहले इतना कर ले, क्योंकि फिर आपका फॉर्मूला बहुत ही लेंथी हो जाएगा, पहले इतना करके दिखाती हूँ। अब इंटरेस्ट ऑन नॉन डिडक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, इंटरेस्ट ऑन फॉर नॉन डिडक्शन ये तभी कैलकुलेट होगा इफ ये वाले मंथ्स, अगर यहाँ पर ये इक्वल टू 0 है, देन तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो 0 इंटरेस्ट होगा। अगर
यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, देन क्या करेगा, जो भी आपने टीडीएस डिडक्ट करना था मल्टीप्लाई बाय उसका 1%, राइट, और मल्टीप्लाई बाय जितने नंबर ऑफ मंथ्स है उसको कर देगा, एंटर कर दो। अब यहां पर भी आप लगाएंगे कि इफ यहां पर अगर इक्वल टू जीरो है तो कोई इंटरेस्ट नहीं, तो जीरो ही इंटरेस्ट आएगा। अगर कुछ लिखा हुआ है देन जितना आपका टीडीएस है उसको मल्टीप्लाई करेगा किससे, 1.5% से, और उसके बाद सॉरी मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मंथ्स, मींस नंबर ऑफ मंथ्स कौन से हो गए, ये वाले, तो इसे मल्टीप्लाई कर देगा, तो 450। तो टोटल अमाउंट आपको कितना डिपॉजिट करना पड़ेगा, जितना आपका टीडीएस है प्लस जितना आपका इंटरेस्ट फॉर नॉन डिडक्शन है और प्लस जितना आपका इंटरेस्ट फॉर डिडक्शन है बट नॉट टाइमली डिपॉजिट है, तो ये हम कर देंगे। और इसका चलान नंबर, बीएसआर कोड, जो बैंक से आप जा ऑनलाइन जो भी पेमेंट करते हैं जो चलान जनरेट होता है जो बीएसआर कोड होता है वो यहाँ पर लिखना है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आप जब टीडीएस रिटर्न फाइल करोगे जो 27Q 26Q जो 24Q होती है, देन उसके बीच आपको ये सारी की सारी डिटेल जो है मेंशन करनी होती है। तो अगर आपने एक फाइल ऐसे मेंटेन करके रखी हुई है तो आपको टीडीएस रिटर्न फाइल करना बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा। चलिए पहले आप स्टॉप करिए वीडियो को, इतना ही करके देखिए, फिर मैं बताती हूँ कि अगर अप्रैल हो गया तो डिडक्शन इंटरेस्ट का कैसे आएगा। चलिए अब डेट्स चेंज करके देखते हैं कि अगर मार्च हो तो कैसा होगा। मान लो कि जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट करी है, नेचर ऑफ पेमेंट आपने 14th मार्च को करी है, तो अपने आप 30th अप्रैल आ गया, 30th अप्रैल अपने आप आ गया। मान लीजिए आपके जो डिडक्शंस की है, डिडक्शंस आपने टाइमली कर ली, 14th मार्च को ही कर ली, तो हमारा नंबर ऑफ मंथ्स फॉर नॉन डिडक्शन कुछ नहीं आया। यहाँ पर मान लीजिए मैंने 18th अप्रैल को डिपॉजिट करवाया तो टाइमली करवा दिया है, क्या कोई मंथ्स आ रहे हैं, कोई मंथ्स नहीं आ रहे, यहाँ पीछे देखिए कोई मंथ्स नहीं आ रहे। मान लीजिए आपने जो डिपॉजिट किया है वो 18 को नहीं 5th मई को किया है, क्या सही आ रहा है, थर्ड आ रहा है क्या, देख लीजिए चेकिंग करके देख लीजिए क्या हमें कोई चेंज करने की जरूरत है। जैसा फॉर्मूला किया है 3 मंथ्स मींस मुझे किस में करना था, मार्च में डिपॉजिट करना था, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, तो मई 3 मंथ्स आ रहे हैं तो कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं, मींस आपका जो फॉर्मूला हमने लगाया है वो परफेक्टली काम कर रहा है, जो हमने फॉर्मूला यहाँ पुट किया है वो परफेक्टली कर रहा है। कोई दिक्कत आई तो मेरे साथ डिस्कस करना। तो दिस इज कि आप टीडीएस कैलकुलेटर कैसे बनाते हो। तो आपने अब क्या करना है, चलिए एक और पेमेंट लेके देखते हैं। अगस्त 17 को हमने प्रोफेशनल फीस की है 10th, आपका जो है 10% हो गया, ऑब्वियसली आपकी 7th सितंबर ही आएगी। आपने जो डेट ऑफ डिडक्शन की है, आप मान लीजिए डेट ऑफ डिडक्शन करते हैं वो आप 9/9/2021 को करते हैं, राइट, और अमाउंट जो है पेमेंट आपने 2 लाख की है, और यहाँ से अब आप इसको क्या करेंगे, आप फॉर्मूला 20,000 आपका बनता है, और डेट ऑफ डिपॉजिट सपोज कीजिए मुझे सितंबर में ही करना था बट सितंबर में ना करके मैंने इसको 10 सितंबर को किया, ठीक है, तो मैंने इसको 10 सितंबर को डिपॉजिट किया। तो अब देखिए क्या मेरा फॉर्मूला ठीक बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इसके लिए हम इनको नीचे को कॉपी करके एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ भी 2 ही आना चाहिए था, यहाँ पर 2 मंथ्स है तो यहाँ भी 2 ही आना चाहिए था, तो ऑब्वियसली वही वाला फॉर्मूला, ये वाला आप इसके अंदर भी लगाओगे कि अगर जो भी डेटेड इफ है दोनों डेट्स में डेज जो है वो 30 से ज्यादा तो 2+ करेगा अदरवाइज 1+ करेगा, इसमें भी वही चेंज कीजिए आप, सेम ये फॉर्मूला जो मैंने यहाँ पर पुट किया है। चलिए मैं समझा देती हूँ क्या करना है कि अगर ग्रेटर देन है और फिर उसके बाद फिर चेक करेगा अगर डेटेड इफ और आपने मुझे बताना है कि क्या आपने कुछ अलग से कोई फॉर्मूला जो है आपके माइंड में आया, इफ डेटेड इफ अगर स्टार्ट डेट, स्टार्ट डेट कौन सी है हमारी, दिस वन और एंड डेट हमारी क्या है नॉन डिडक्शन के लिए, ऑब्वियसली एंड डेट मेरी ये वाली होगी,
राइट, जो भी है इसके बीच के जो है वो नंबर ऑफ डेज देखेगा। अगर ये नंबर ऑफ डेज जो है वो ग्रेटर देन, अगर वो लेस देन या इक्वल टू 30 हुए, 30 ले लो, 30, देन वो क्या करेगा, देन वो डेटेड इफ जो फंक्शन लगा है उसमें 2 प्लस करेगा, और इसको कॉपी कर लेती हूं मैं, अदरवाइज कितने प्लस करेगा, 1 प्लस करेगा। राइट, अदरवाइज वो 1 प्लस करेगा। हमने ये वाली ब्रैकेट क्लोज कर दी, कॉमा, और 0 आएगा, एंड। अच्छा मैंने कुछ गड़बड़ गई है क्या, F7, मुझे फॉर्मूला चेक करने दीजिए। अगर F7 ग्रेटर देन E7 है इफ, अच्छा डेटेड इफ का स्पेलिंग ही गलत लिख दिया मैंने, डेटेड इफ, ये देखिए ठीक आ गया ना, राइट, ये भी टू मंथ्स। तो ये आपने चेक करके देखना है क्या ठीक आ रहा है, ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग हमारा जो उसने क्या कर दिया, जो इंटरेस्ट है कैलकुलेट है, ये टोटल अमाउंट जो है आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा, उसका चलान और PSR। ये कैलकुलेटर कंप्लीट बना के एटलीस्ट 5 आपने जो है वो इनकम्स लेके आपने मुझे इसको, ये आपके होमवर्क में